हेलो एवरीवन। तो ये हमारा कोर्स चला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर हम स्टेम सेल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम स्टेम सेल में स्टेम सेल डिस्कवरी देखेंगे। स्टेम सेल डिस्कवरी द की प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय अर्नेस्ट मैक्कुलॉग एंड जेम्स स्टील इन द अर्ली 1960s। तो जो स्टेम सेल का की प्रॉपर्टीज होता है कि जब स्टेम सेल डिवाइड करता है तो एक सेल अपने एक जो सेल होता है वो सेल्फ रिन्यूअल के प्रोसेस में हेल्प करता है, अपने जैसा बनाता है। दूसरा सेल जो होता है, दूसरा डॉटर सेल डिफरेंशिएट करता है और निश्चय स्टेम सेल निश्चय माइग्रेट कर जाता है और जो भी पैराक्राइन फैक्टर्स एनकाउंटर होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएट करता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले अर्नेस्ट मैक्कुलॉग एंड जेम्स स्टील ने 1960s में डिफाइन किया था। दे डिस्कवर दैट द ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल द हेमोपोएटिक स्टेम सेल थ्रू देयर पायनियरिंग वर्क इन द माइस। तो उन्होंने अपने स्टडीज में ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल को, जिनको हम हेमोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं, उसको डिस्कवर किया था। इन 1961 इन एन एक्सपेरिमेंट टिल एंड मैक्कुलॉग इंजेक्टेड बोन मैरो सेल फ्रॉम ए डोनर माउस इन टू द लीडली इरेडिएटेड माइस ऑफ द सेम जेनेटिक स्ट्रेन। तो 1961 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया टिल एंड मैक्कुलॉग ने, और उन्होंने इंजेक्ट किया बोन मैरो सेल को एक डोनर माउस से लेके लीडली इरेडिएटेड माइस में, लीडली इरेडिएटेड माइस में जो सेम जेनेटिक स्ट्रेन था डोनर माउस के। तो अब ये जो लीडली इरेडिएटेड माइस है, ये क्या होता है? तो लीडली इरेडिएटेड माइस का मतलब हुआ कि ऐसे माइस जिनमें स्टेम सेल जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो चुका हो पूरे तरीके से। तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक डोनर माउस सेल माउस से डोनर माउस से बोन मैरो सेल को लिया और लीडली इरेडिएटेड माइस में इंजेक्ट करा दिया। अब ये जो लीडली इरेडिएटेड माइस था वो सेम जेनेटिक स्ट्रेन का था जो कि डोनर माउस जिससे बोन मैरो सेल लिया गया था उससे उसका, और जो इरेडिएटेड माइस था वो सेम जेनेटिक स्ट्रेन के थे। सम ऑफ द इंडिविजुअल डोनर सेल प्रोड्यूस डिस्क्रीट नोड्यूल ऑन द स्प्लीन ऑफ द होस्ट एनिमल एंड दिस नोड्यूल कंटेन इरिथ्रोसाइट ग्रेनुलोसाइट एंड प्लेटलेट प्रिकर्सर सेल। अब जब इस डोनर सेल को इंजेक्ट कराया गया तो ये डिस्क्रीट नोड्यूल बनाने लगे होस्ट सेल इरेडिएटेड लीड। अब जो इंडिविजुअल डोनर सेल थे उनमें से कुछ जो थे वो डिस्क्रीट नोड्यूल बनाने लगे स्प्लीन होस्ट एनिमल के स्प्लीन पे। होस्ट एनिमल कौन था? लीडली इरेडिएटेड माइस था। उसके स्प्लीन पे डिस्क्रीट नोड्यूल्स बनाने लगे और इन नोड्यूल में इरिथ्रोसाइट ग्रेनुलोसाइट एंड प्लेटलेट प्रिकर्सर्स सेल्स थे। अब इन नोड्यूल में इरिथ्रोसाइट ग्रेनुलोसाइट एंड प्लेटलेट प्रिकर्सर सेल्स, दे हाइपोथेसाइज दैट इच नोड्यूल वाज ए क्लोन अराइजिंग फ्रॉम सिंगल बोन मैरो स्टेम सेल। तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया कि ये जो हर जो नोड्यूल है, इच नोड्यूल, प्रत्येक जो नोड्यूल है वो सिंगल बोन मैरो सेल से अराइज हुआ है, स्टेम सेल जो इन्होंने इंजेक्ट किया था तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया कि जो हर नोड्यूल है, इच नोड्यूल है वो सिंगल बोन मैरो सेल से अराइज हुआ है। क्योंकि इरेडिएटेड माइस में तो उनको इरेडिएट कर दिया गया था स्टेम सेल को, तो अब कोई भी स्टेम सेल नहीं था जो कि इरिथ्रोसाइट ग्रेनुलोसाइट एंड प्लेटलेट प्रिकर्सर सेल्स को बनाए। तो अब इनमें जो नोड्यूल्स पाया गया स्प्लीन में उसमें रिथ्रोसाइट ग्रेनुलोसाइट और प्लेटलेट प्रिकर्सर थे। तो अब ये जो नोड्यूल, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि ये जो नोड्यूल थे अराइज हुए ये सिंगल बोन मैरो सेल जो इंजेक्ट कराया गया था उससे अराइज हो रहे हैं। इन द सब्सिक्वेंट स्टडी मैक्कुलॉग एंड टिल ज्वाइंड बाय ए ग्रेजुएट स्टूडेंट एंडी बेकर एंड सीनियर साइंटिस्ट लाओ सिमिनोविच कन्फर्म दैट इच नोड्यूल डिड इनफैक्ट अराइज फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो आगे स्टडी में मैक्कुलॉग एंड टिल ने एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को ज्वाइन किया जिसका नाम था एंडी बेकर,
और एक सीनियर साइंटिस्ट लोव सिमोनोविच, इन्होंने कंफर्म किया कि जो नोड्यूल था वो सच में एक ही सिंगल सेल से एराइज हुआ था, एक ही सिंगल सेल से एराइज हुआ था। तो ये देखिए डिफरेंट 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 नोड्यूल्स हैं, ये एक ही सिंगल सेल से एराइज हुए हैं। ये जो भी इरेडिएटेड माइस था उसका जो स्प्लीन है उसमें नोड्यूल शो किया गया है। देयर रिजल्ट वे पब्लिश इन नेचर इन 1963। अब जो इनका रिजल्ट था वो नेचर में पब्लिश हुआ, ठीक 1963 में। इन द सेम ईयर सिमिनोविच वॉज अ लीड इन्वेस्टिगेटर फॉर द स्टडी दैट द कॉलोनी फॉर्मिंग सेल वे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, विच इज की डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल दैट टिल एंड मैकुलॉक हैज थियोराइज। उसी ईयर में 1963 में ही सिमिनोविच लीड इन्वेस्टिगेटर थे उस स्टडीज के जिसमें ये देखा गया कि जो कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स थे वो सेल्फ उनमें सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी थी। अब यही जो सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी जो है, कि कोई भी सेल के पास सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी होती है, यही की डिफाइन प्रॉपर्टी स्टेम सेल का होता है जो टिल एंड मैकलॉक ने थियोरी दिया था। फॉर दिस कॉलोनी फॉर्मिंग सेल टू बी ए ट्रू स्टेम सेल हाउएवर इट हैड टू प्रोड्यूस ओनली द डिफरेंशिएटेड ब्लड सेल बट ऑल्सो मोर कॉलोनी फॉर्मिंग सेल। अब ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग सेल थे ये ट्रू स्टेम सेल थे, ये कैसे प्रूव किया गया? क्योंकि ये सिर्फ डिफरेंशिएटेड ब्लड सेल को ही प्रोड्यूस ना करके बल्कि और भी कॉलोनी बनाते थे। इसका मतलब कि जो कॉलोनी फॉर्मिंग सेल है वो अब एक सेल्फ रिन्यूअल का प्रोसेस हो रहा है, ठीक, जब वो डिवाइड कर रहा है तो एक डॉटर सेल सेल्फ रिन्यूअल के प्रोसेस में हेल्प कर रहा है और अपने जैसा सेल बना रहा है, और दूसरा सेल डिफरेंशिएट हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सेल में डिफरेंशिएट हो रहा है। दिस वॉज सोन टू बी द केस बाई टेकिंग द नोड्यूल डिराइव फ्रॉम ए सिंगल जेनेटिकली मार्क्ड कॉलोनी फॉर्मिंग सेल एंड इंजेक्ट द सेल ऑफ द नोड्यूल इनटू अनदर इरेडिएटेड माउस। ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग सेल था, नोड्यूल जो है सिंगल, अभी ये कैसे शो किया गया कि ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग सेल है ये स्टेम सेल है? तो ये नोड्यूल से जो नोड्यूल अराइज हुए थे उनसे सेल लिया गया सिंगल फ्रॉम ए सिंगल जेनेटिकली मार्क्ड कॉलोनी फॉर्मिंग सेल। एक कॉलोनी से सेल लिया गया और उसको नोड्यूल इंजेक्ट कराया गया, उस नोड्यूल सेल को इंजेक्ट करा दिया गया इरेडिएटेड माइस पे। मैनी स्प्लीन कॉलोनी इमर्ज ईच ऑफ देम हैविंग द सेम क्रोमोजोमल अरेंजमेंट एज द ओरिजिनल कॉलोनी। तो जब सिंगल जेनेटिकली मार्क्ड कॉलोनी फॉर्मिंग सेल से नोड्यूल सेल को लिया गया उस नोड्यूल से और दूसरे इरेडिएटेड माउस में इंजेक्ट कराया गया, तो बहुत सारे स्प्लीन कॉलोनी इमर्ज हुए और उनके पास सेम क्रोमोजोमल अरेंजमेंट था एज द ओरिजिनल कॉलोनी। दस वी सी दैट ए सिंगल बोन मैरो कैन फॉर्म न्यूमरस डिफरेंट सेल टाइप एंड कैन ऑल्सो अंडरगो सेल्फ रिन्यूअल। तो इस तरीके से ये पता चला कि जो सिंगल बोन मैरो सेल है वो न्यूमरस डिफरेंट सेल टाइप को, सिंगल बोन मैरो सेल जो है न्यूमरस डिफरेंट सेल टाइप को बना सकता है और सेल्फ रिन्यूअल का भी प्रोसेस कर सकता है। दिस रिसर्च ऑन हेमोपोएटिक स्टेम सेल लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फील्ड ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अभी इस रिसर्च से जो हेमोपोएटिक स्टेम सेल पे किया गया था इससे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का फील्ड जो हुआ वो स्टेबलाइज हुआ कि बोन मैरो को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और कुछ कुछ पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। द फर्स्ट थेरेपी यूजिंग स्टेम सेल वॉज बोन मैरो ट्रांसप्लांट परफॉर्म बाई द फ्रेंच ऑन्कोलॉजिस्ट जॉर्ज मैथ्यू इन 1958 ऑन फाइव वर्कर एट द विनका न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट इन यूगोस्लाविया हु हैज बीन अफेक्टेड बाई क्रिटिकली एक्सीडेंट। तो फर्स्ट थेरेपी यूजिंग स्टेम सेल को यूज करके फर्स्ट थेरेपी जो किया गया था वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का था, कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया गया था। और ये जो ट्रांसप्लांटेशन था ये सबसे पहले फ्रेंच ऑन्कोलॉजिस्ट जॉर्ज मैथी ने 1958 पे किया था 1958 में किया था फाइव वर्कर पे, जो विनका न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट यूगोस्लाविया के एक्सीडेंट में, क्रिटिकल एक्सीडेंट में ये अफेक्टेड हुए थे।
तो उनका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। द वर्कर ऑल सर्वाइव, सारे वर्कर जो है सर्वाइव कर गए। इन 1981 एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल फर्स्ट आइसोलेटेड एंड सक्सेसफुली कल्चर्ड यूजिंग माउस ब्लास्टोसिस्ट बाय द ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट मार्टिन इवेंस एंड मैथ्यू कॉफमैन। तो 1981 में सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को आइसोलेट किया गया था और सक्सेसफुली कल्चर्ड किया गया था माउस ब्लास्टोसिस्ट से बाय द ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट मार्टिन इवेंस एंड मैथ्यू कॉफमैन्स। तो सबसे पहले ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट मार्टिन इवेंस एंड मैथ्यू कॉफमैन ने 1981 में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को आइसोलेट किया था और सक्सेसफुली कल्चर्ड किया था। तो यह हमारा स्टेम सेल डिस्कवरी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।